गेट नोटिफिकेशन होता है और रेगुलर अपडेशन क्लिक किया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल है इसमें, वो आपको लास्ट में जाकर पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो पूरा देख सकते हैं, नहीं तो अभी क्विट कर सकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो का मेन मुद्दा यह है कि आजकल पूरा दुनिया में, खासकर इंडिया में, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का बात करते हैं, तो पूरा इंडिया में फेक न्यूज का प्रोपागंडा चल रहा है, फेक न्यूज को फॉरवर्ड करने का प्रोपागंडा चल रहा है, और इससे हम लोग काफी हद तक इफेक्टेड हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडियन सिटीजन, हमारा ये दायित्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि किस तरह से हम आप तक ये खबर को पहुंचाएं कि फेसबुक किस किस सोर्स से आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक अकाउंट में आता है, और आप उसको किस तरह से स्पॉट करिएगा, किस तरह से पहचानिएगा। आपको पता है कि पिछले साल की तुलना में 60% मोर और लेस 60% मोबाइल यूजर आज के डेट में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर स्टूडेंट कैटेगरी के हैं, जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और कुछ नॉन स्टूडेंट है, माने कुछ स्टूडेंट कैटेगरी के नहीं है, लेकिन वो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो ठहरा। तो चलिए आज हम लोग खास जो सोर्सेस हमने कलेक्ट किया है उसमें तो 100% प्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस के जरिए आपको ये हम बता पाएंगे कि किस तरह से आप कोई फेक न्यूज को स्पॉट कीजिएगा, हम उसको आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला देखिए, तीन तरीका से आपके पास न्यूज आता है, एक व्हाट्सएप के जरिए, दूसरा फोटोशॉप के जरिए, और तीसरा फेक आर्टिकल्स, मतलब कोई वेबसाइट या ब्लॉग के जरिए। तो हम लोग आज बात करेंगे कि व्हाट्सएप के जरिए आपके पास कैसे पहचानिएगा कि वो आता है। तो देखिए, व्हाट्सएप में एकदम सिंपल सा कॉमन सेंस है, किसी के लिए हाईली पॉजिटिव वर्ड लिखा गया हो या सेंटेंसेस लिखा हो गई, या हाईली नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया हो, या बहुत ज्यादा तारीफ या बहुत ज्यादा बेइज्जती, अगर आपको वर्डिंग मिलता है तो आप समझ लीजिए ये फेक न्यूज है, ठीक है, इसको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। और इसमें अगर कोई लिंक ना हो या कोई सोर्स ना हो तो आप समझ सकते हैं कि फेक न्यूज है। अगर कोई लिंक आपको मिलता है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप साइट में जाइए या ब्लॉग में जाइए, और फिर उसका आर्टिकल्स, मतलब उसका जो कीवर्ड है, कीवर्ड को आप गूगल कर लीजिए। वो कैसे किया जाता है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कीवर्ड को गूगल कैसे किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे डेंजरस जो है दूसरा, वो है आपका फोटोशॉप, जो काफी डेंजरस है। तो देखिए, हाल में ही आपने देखा होगा कि भारत की हार पर खुशी से नाचने वाले की भीड़ का जश्न जो मस्जिद में मनाया जा रहा है, भारतीय मस्जिद में, इंडियन मॉस्क में ये सेलिब्रेशन किया जाता है, जब बाद में ये साबित होता है कि ये फेक न्यूज था, ठीक है। ये एक्चुअली जो जश्न मनाया जा रहा है ये पाकिस्तान का ही एक मदरसा का है, वहीं पे ये जश्न मनाया जा रहा था, जिसको इंडियन न्यूज चैनल में या वेबसाइट में या किसी भी जरिए आपके सामने जो पहुंचा था वो वायरल किया गया था, एक दूसरे को भड़काने के लिए किया गया था, ठीक है। देखिए, और एक जो है रियल और फेक, ओबामा जो है वो, इनका फोटो देखिए मोदी के साथ, ठीक है, तो ये भी एक फेक फोटोशॉप था। और कुछ समर्थक जो हैं मोदी के समर्थक हैं, कुछ मोदी के विपक्ष में है तो कुछ मोदी के समर्थन में, तो कुछ जो समर्थक वाले हैं वो कुछ इस तरह से अहमदाबाद का सड़क को दिखाया गया था कि किस तरह से इसको देखिए एडिट किया गया, कितना साफ सुथरा, मतलब लंदन का ऐसा लग रहा है कि सड़क है, तो इस तरह से फोटोशॉपिंग किया था। और आपको याद होगा कि लास्ट ईयर, मतलब बांग्लादेश का ये घटना, ये आपको याद ही होगा, ये भी एक फोटोशॉप था। तो ये इंडियन जो हम लोग होते हैं काफी भावुक होते हैं और इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए नेहरू जी साइड में खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से फोटो वगैरह, ये भी एक फेक न्यूज था। और ये हाल फिलहाल में ही अभी बहुत पॉपुलर होगा आपके फेसबुक में कि
योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है वो गौमूत्र धारण कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ये किस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे या स्पॉट करेंगे कि फोटो या कोई कीवर्ड किस तरह से स्पॉट करेंगे। इसके अलावा भी देखिए, ये हम सब लास्ट में बताने जा रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मतलब वेबसाइट हैं जो जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग कोई नामी ग्रामी साइट से मिलता जुलता हुआ होता होगा, मैंने सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्मिथ साउंड जिसको बोला जाता है, जैसे बीबीसी न्यूज, तो इसी का मिलता जुलता एक आपको मिल गया है, bbcnews.com ऐसा कुछ है। तो मिलता जुलता बहुत सारा ऐसा साइट्स हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं, जिसमें से आपको ये देखिए, ये तीन साइट का एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे दैनिक भास्कर एक है, तो दैनिक भारत .org, न्यूज रूम पोस्ट .com, जागरूक भारत .com, ये फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। आप तुरंत इस साइट का किसी भी पोस्ट को आप यकीन मत कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह कुछ ऐसे ब्लॉग और आर्टिकल्स हैं जिसके जरिए आपके साम आप आपको फेक न्यूज फैलाया जाता है। ये न्यूज जो है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप तमाम न्यूज को, ये जो वेबसाइट और ब्लॉग का आपको जो लिंक मिला है, ये एक सोर्स से हमारे पास आया है जो फेक न्यूज को स्पॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 10-12 हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये कुछ हमको मिला है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसका न्यूज को टैली कर सकते हैं। तो देखिए, इससे एक अच्छी बात यह हुआ कि फेक न्यूज इतना ज्यादा हमारे सामने है कि हम लोग को मैंने समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे साइट्स हैं जो फैक्ट को चेकिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे साइट्स का नाम आपको दे देते हैं। ये देखिए, ये दो साइट फिलहाल हैं जो आपको उसमें रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा कि ये कौन सा फेक न्यूज था जिसको आपने बहुत जोर शोर से फॉरवर्ड किया था, कौन सा फेक न्यूज नहीं है, इसका सब अपडेशन आपको वायरल जो मैंने न्यूज होते हैं उसको आपको अपडेशन ये दोनों साइट में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कैसे फेक न्यूज को स्पॉट कर सकते हैं, एक तो कीवर्ड के जरिए और एक फोटो के जरिए। जो फोटोशॉप हुआ वो किस तरह से आप पता लगाइएगा कि वो फोटोशॉप हुआ हुआ है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में ही बताया गया था कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि ममता बनर्जी को पब्लिक सर्विस के लिए यूएन अवार्ड दिया गया था। अब इसको आप इसका कीवर्ड को कॉपी कर लीजिए, हमने यहाँ पे लिख के रखा है, हम चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम लोग गूगल में इसका कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो चलिए, ममता बनर्जी यूएन अवार्ड, ये कहाँ तक झूठ है या सच है, हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोगों को पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए, ममता बनर्जी यूएन ऑनर वेस्ट बंगाल सीएम विथ हाईएस्ट पब्लिक सर्विस, ये कीवर्ड के हिसाब से हम लोग सर्च किए, पता चला कि ये न्यूज सही था। उसी तरह से चलिए हम कुछ और उठा लेते हैं, मोदी बेस्ट पीएम एनएसको, मोदी बेस्ट पीएम एनएसको जो है वो कहाँ तक सही है या गलत है, इसका कीवर्ड को हम लोग यहाँ पे गूगल में जाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पता चलता है कि ये फेक था, टॉप 10 फेक न्यूज में भी ये कीवर्ड आता है, तो ये भी एक फेक न्यूज था। तो इसको हम लोग कीवर्ड के जरिए हम लोग इसको देख सकते हैं कि कौन सा फेक था और कौन सा ओरिजिनली था। तो अब बारी आता है फोटोशॉप का, तो चलिए हम लोग फोटोशॉप की तरफ चलते हैं। फोटोशॉप, तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो गौमूत्र धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ये फेक था या ओरिजिनल था। अब हमको यहाँ पे गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा रिवर्स
गूगल इमेज सर्च। इसका दो साइट है, एक ऊपर वाला ये वाला आपको मिलता है और एक ये। चलिए हम लोग दोनों का काम एक ही है। यहाँ पे लोग जाते हैं और कैमरा वाला जो आपको आइकॉन मिलता है यहाँ पे आप क्लिक करिए, अपलोड एंड इमेज कीजिए। यहाँ पे इमेज करने के बाद चूज फाइल कीजिए, जहाँ पे ये रखा हुआ है इसको आप ले लीजिए। इसको लेने के बाद ये आपको दिखा देगा मिलता जुलता कौन सा तस्वीर का ऊपर, कौन सा फोटो के ऊपर इसको एडिट किया गया था। तो चलिए नीचे का चलते हैं। ये देखिए एक फोटो आपको मिल जाता है, देखिए ये वाला चीज के ऊपर एडिट किया गया था कि ये फोटो के ऊपर उसको एडिट किया था। इस तरह से किसी भी फोटो को रिवर्स सर्च में आप जब करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसका ऊपर एडिटिंग हुआ था। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और कुछ फेक वेबसाइट का नाम तो हमने आपको बता दिया है, कुछ फेक ब्लॉग वगैरह का नाम है, उसको आप तो जब भी उसमें से कोई भी आए आपके सामने न्यूज़ तो आप उसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा। फॉरवर्ड करने से एक दूसरे के साथ दरार बढ़ता है, दोस्त यार में नाइत्तेफाकी बढ़ता है। और आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फुल्ली टेक्निकल वीडियो नहीं था। लास्ट में जो हम आपको रिवर्स और कीवर्ड सर्च को दिखाएं, ये छोटा सा एक टेक्निकल इसमें पॉइंट इंक्रीज किया गया था, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो फेक न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हैं, उस ग्रुप में जो फेक न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हैं, ताकि उनको कम से कम जानकारी तो हो कि हम कितना फेक न्यूज़ आज तक पोस्ट कर चुके हैं। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। बस यही आपसे गुजारिश है। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। स्क्रीन में दिए गए वीडियो को आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।